बिल के पहले दिल दो, 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 बिल के पहले दिल दो। रुको 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 रुको, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। बैठ के कबूल कीजिए। मैं सबके सामने कबूल करता हूँ कि वो जो है, तो मैंने ऐसे ही प्यार में इमोशनल होके भावनाओं में बह के ऐसे फ्लो में कह दिया था, लेकिन ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो ठीक उसी तरीके से इमोशनल होकर फ्लो में प्राची ने भी ये अग्रीमेंट साइन कर दिया था, ऐसा सच में नहीं होता है। तुम्हें शर्म नहीं आई उसे ये ब्रेकअप बिल थमाते हुए? क्या गलती थी उस बेचारे की? वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, अंदर ही अंदर तड़प रही थी, घुट रही थी। तुमने सोचा है कभी कि जिस दिन उसके घुटन का बांध टूट जाता, कितना जलील तरीके से तुम्हारा यह रिश्ता खत्म होता? तुम्हारे इस रिश्ते को जलील होने से, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने तुमसे ब्रेकअप किया, तो तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया। तुमने उसे ये अग्रीमेंट दिखा दिया, ब्रेकअप का बिल दे दिया, और आप सब आ गए इस तमाशे में बिना सच्चाई जाने इसका साथ देने के लिए। क्या किया उसने, क्या गलती थी उसकी? सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा पैसा, उसका कुछ भी नहीं। प्राची ने जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया, तुम्हारे प्यार में इतने आंसू बहाए, रात की नींदें खोई, उस सब का कोई हिसाब नहीं है? प्राची ने तुमसे प्यार किया, लेकिन इस प्यार में कैलकुलेशन लेकर आए तुम। प्यार सिर्फ देने की चीज होती है सूरज, वसूलने की नहीं। क्या हुआ? पैर पैर डॉक्टर साहब का। आपने सच कहा, मैं शायद प्राची को यूं मेरी लाइफ से जाते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उसे इस तरह हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। प्राची, मुझे माफ कर दो। प्राची, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हमारे रिश्ते को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन आज जब हमारे रिश्ते को जाते हुए देख रहा हूं, तो मुझे इसकी वैल्यू समझ में आ रही। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा। सच में सूरज? सच्ची। देखो ऐसा है सूरज, कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था तुम्हें नींद से जगाने का, इसलिए जो है हमने ये नाटक किया। नाटक? जी। आप सब ने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत थैंक यू, तो आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। Congratulations, Miss Malik. After all, ये केस भी आपके नाम रहा। आपके जज्बातों की छड़ी एक बार फिर से कमाल कर गई। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? इसलिए क्योंकि मुझे लगा मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मेरी वजह से ये केस बिगड़ चुका है, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आपने मुझे लाइफ टाइम गिल्ट से बचा लिया, सो थैंक यू। You're welcome. लेकिन of course, आपकी कोई बात लेकिन के बिना तो पूरी हो नहीं सकती। कंटिन्यू। यही कि इस बार तो किस्मत से ये बाजी आपके हाथों में चली गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। अगला केस और इस थाने में आने वाला हर केस अमर विद्रोही के नाम होगा, ये वादा है अमर विद्रोही का आपसे। अमर विद्रोही पूरी दुनिया जानती है कि हम बहुत पेशेंस वाले इंसान हैं, इस तरह के चैलेंजेस हमें पसंद नहीं है, बहुत हल्के लगते हैं, फिर भी आपके मुकाबले में सामने खड़े हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, इस थाने के वजूद की है। इस लड़ाई को जीतना हमारी मर्जी नहीं, हमारी जरूरत है, इसलिए आपको जो करना है आप कीजिए, ये थाना तो हमारा ही रहेगा। चलते हैं। लड़का देखने जा रही हैं? आपसे मतलब? गलत जा रहे हैं सर, गलत जा रहे हैं।
ये हमारा एरिया नहीं है, दुश्मनों का है, और दुश्मनों से ना ही दूरी अच्छी ना ही नजदीकी। लक्ष्य पर नजर रखिए प्लीज सर। अरे लक्ष्य पर ही नजर है दीवान जी, मतलब थाने पर ही नजर है। कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी मत सोचा कीजिए। संतोष जी टेक अ टी मेड बाय मी हैंड वी टेस्ट मार्क ने बने या प्लीज टेस्ट। चल बताओ आपकी राशि क्या है। केकड़ा। कन्या जो तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। एक सेकंड बिल्लू जी, क्या? आपकी राशि में ये लिखा है कि आज आप एक अप्सरा से टकराएंगे। ये न्यूज लोकल राशि वाले हैं ना, एकदम बकवास बकवास है। कल मेरे राशिफल में लिखा था मेनका से टकराओगे, तो एक मिनी टेम्पो टच करके गया, तो उसको गाली देने के लिए मैं मुड़ा और उसके पीछे लिखा था मेनका ट्रक मिनी टेम्पो सर्विस। आज क्या लिखा है, अप्सरा से टकराओगे तो कौन आएगा। अप्सरा रोड रोलर के नीचे आओगे, ऐसे चपड़ के पापड़ हो जाओगे। मैं टेम्पो ट्रक झेल लूंगा, लेकिन ये किस किस से लड़ू मैं। क्या हुआ माँ, देखो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं माँ, मैं मांग के परूं। क्यों उसको बेचारे को परेशान करते हो इतना। हाँ। चुप करो, मिल जाएगी बेटा, कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगी लड़की। हाँ माँ बहुत हो गई हंसी ठट्टा, हमारी डायन बहू आ जाएगी ना तो आग बबूला हो जाएगी। चलो एक सेकंड पुष्पा जी, आप करिश्मा मैडम से इतना क्यों डरती हैं? हम अरे नहीं नहीं हम नहीं डरते, अरे उनसे डरे हमारी जूती। नहीं 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 पुष्पा जी, ये ना एकदम गलत बात है। अगर डरती है तो मुंह पर बोलने का हिम्मत भी रखिए। राइट, डरते हैं तो डरते हैं, सीधा बोल दीजिए। जो प्यार करता है वो डरता भी है। तू डरता है मुझसे? ना, मतलब प्यार नहीं करता ना। संतु जी हमारे कहने का मतलब ये था कि हम प्यार करते हैं लेकिन डरते आपको खोने की वजह से हैं। चुप, झूठा, देख लिया मैंने तो कितना प्यार करता है मुझसे, सब खत्म चीते सब खत्म। संतु जी आप रो रही हैं। संतु जी अरे वो हंस रही है, देखो दुष्ट लड़की तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। संतोष जी आपका मजाक उड़ाने लगी है। वेल कॉट, वेल कॉट। अरे माँ गिरती तो कितने में गिरती। संतु जी आप तो हमको डरा ही दी थी, हमारा एकदम जान हलक में आ गया था। नहीं बताइए, पुष्पा जी के और करिश्मा मैडम के डरने का बात चल रहा था, आप तो हमारा क्लास ले ली। अरे कितनी बार कहे हम नहीं डरते किसी से, होगी वो तोप कहीं की मगर घर की तोप तो हम है ना। करिश्मा मैडम आप तोप, तोप, तोप। करिश्मा मैडम जूती। बस 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 बहुत हो गया, बहुत उड़ा लिया पुष्पी का मजाक, चलो अभी काम पे लग जाओ। चलो 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 जाओ। माँ अरे करिश्मा जी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। नहीं यही होंगी। ओहो हो चीते, सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा है, चाय भी पी फिर भी ठीक नहीं हो रहा। संतु जी आप, आपका सर दर्द कर रहा, आप हमको बताए क्यों नहीं। संतु जी एक मिनट रुकिए, हम तुरंत अभी दवाई मंगाते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं। एक सेकंड पैनिक क्यों हो रहा है, अच्छी वाली चाय पीऊंगी, अदरक वाली तो ठीक हो जाऊंगी। तू बनाएगा? संतु जी अपना हाथ से बना कर लेकर आते हैं आपके लिए चाय। हम दो लेकर आना। नहीं नहीं पुष्पा जी, संतु जी के लिए एक काफी और कुलदीप चाय तो पीते नहीं है। नहीं नहीं हमारे लिए भी तो बनाओगे ना। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बालवा को बोलते हैं बनाएगा। एक बाल को क्यों बोलोगे, तुम बना रहे हो इसके लिए चाय, हमारे लिए भी बनाओ। नहीं नहीं पुष्पा जी इनके लिए तो क्या कि हम प्यार से बनाएंगे ना, कुछ ज्यादा ही प्यार डाल के, मतलब समझ रही आप, दूध वूध बढ़िया बाहर से लेकर आएंगे। एक मिनट सर, कहाँ आ रहे हैं आप लोग, क्या हुआ, सब ठीक है? जी कहिए क्या काम है। CBI आपकी SHO मिस हसीना मलिक कहाँ है? जी वो शायद किसी काम से बाहर गई हैं, बताइए क्या काम है। तलाशी लेनी है उनकी भी और इस थाने की भी। क्या? सर्च वारंट। सर लेकिन भास्कर तुम अपनी टीम को लेकर हसीना मलिक के घर जाओ, वहाँ की तलाशी लो अच्छे से। अरे सर सर हमारी बात तो सुनिए आप, ये सर, कि, सर, 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 सर ये हसीना मलिक का केबिन है ना? जी सर। ललित तलाशी लो। लेकिन सर सर बताइए तो सही, हुआ क्या है? सर आप एक सेकंड प्लीज बात बताएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि पीछे से हमें मैडम सर को जवाब देना पड़ता है कि क्या चल रहा है थाने में। सर प्लीज बताइए तो सही, कुछ कुछ तो बोलिए, हम मैडम सर को फोन करते हैं। लगाइए। अरे सर सॉरी, फिलहाल जब तक हमारी परमिशन ना हो तब तक उन्हें यहाँ से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको प्रोटोकॉल पता है ना। रितिका सबके फोन ले लो। अरे पर अरे फोन तो
ये फोन किसका है? सर मेरा है वो। मैं दो फोन यूज करती हूँ, ऑफिशियल यूज के लिए अलग है और पर्सनल यूज के लिए अलग है। ये क्या हाल बना रखा है मैंने? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ क्या है ये? हमारे पास सर्च वारंट है। सर्च वारंट? प्लीज आप कॉपरेट कीजिए हमें। देखिए देखिए ऑफिसर, हमारी बेटी एक फरमादार और ईमानदार ऑफिसर है। हाँ बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। शांत, आप शांत हो जाइए प्लीज। तुम दोनों अंदर चलो मेरे साथ। अरे अब अंदर भी तलाशी लेंगे। सुनिए रुकिए, तुम दोनों अच्छे सर्च करो। ऑफिसर सुनिए तो हमारी बात, हमने कहा ना यहाँ कुछ नहीं है। आप शांत हो जाइए, हमें मैं चेक कर। ये क्या कर रही है मैम? प्लीज मैं कैसे आप सर्च कर सकते हैं किसी के रूम में घुस के इस तरह से, और वो भी पुलिस ऑफिसर है। सर भास्कर बोलो क्या हसीना मल्लिक के घर से इलीगल वेपन्स मिले हैं? ओके ओके तुम एक काम करो, बाकी सारे वेपन्स को कस्टडी में ले लो और उसकी ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट तैयार करके मुझे मेल करो अभी। मैं हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूँ हसीना मल्लिक का अरेस्ट वारंट निकलवाने के लिए, और तब तक तुम भी वायरलेस पर मैसेज सर्कुलेट करवा दो कि हसीना मल्लिक जहां कहीं भी देखे उसे फौरन हिरासत में लिया जाए। जय हिंद। सर सर जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, मैडम सर ऐसी नहीं है, वो कैसी है? वो सर मिस अंडरस्टैंडिंग भी होगी सर, इस संभव ही नहीं है, आपने दोबारा चेक किया, जरूर कोई गलतफहमी हुआ सर आप लोगों को। देखिए हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी। सर 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 ये सब क्या चल रहा है, हमको तुरंत मैडम सर से संपर्क करना होगा, उन्हें इस बारे में अवगत करना होगा। ललित कुछ मिला? कुछ सर समझिए सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्लीज कोऑपरेट। इस तरफ क्या है? जिम रूम है, जिम रूम है। हे भोलेनाथ, ये एक ही रास्ता है जिससे मैडम सर अपने घर की तरफ जा सकती है। प्लीज मैडम सर को यहाँ पे जल्दी से भेज दीजिए किसी और के आने से पहले, प्लीज भोलेनाथ। करिश्मा सिंह, मैडम सर, करिश्मा सिंह, शुक्र है भोलेनाथ का कि आप हमें मिल गई है। अब कहाँ थी क्या? अरे हम तो कुछ काम से बाहर गए थे, लेकिन आप हमें फोन कर लेती ना, क्या हो गया ऐसा? कैसे फोन करते मैडम सर, हमारा फोन जब्त हो गया है। क्या? हमारा ही नहीं पूरे थाने का सबका, संतू पुष्पा जी जीते सबका फोन जब्त हो गया है। क्यों, किसने किया? सीबीआई, सीबीआई आई थी, सबके फोन जब्त कर लिए, पूरे थाने का तलाशी लिए, यहाँ तक कि आपके घर को भी खंगाला। क्या मैडम सर, हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्या, हमने क्या किया है? मैडम सर आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकलने वाला है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी तक अरेस्ट वारंट निकल भी गया होगा, किसी ने बहुत चलाकी से ये गेम खेला, आपको फंसाने का कोशिश किया मैडम सर। हाँ लेकिन हमने किया क्या, क्या हुआ? सीबीआई आपके घर पे गई थी, तलाशी की तो अवैध हथियार मिले हैं। निकलना होगा यहाँ से, चलिए 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 चलिए। करिश्मा सिंह कहाँ जाए, हम क्या बोल रहे हैं? मैडम सर सुनिए सुनिए हमारा बात सुनिए, बहुत बड़ा व्यापक साजिश है, आप पुलिस के सामने अभी नहीं जा सकती हैं, अगर गलती से उनके चक्कर में आ गई तो आप अपने आप को साबित भी नहीं कर पाएंगी कि आप निर्दोष हैं। आपका हमारे साथ चलना ही ठीक होगा, पूरे शहर में नाकाबंदी लगी है, हम आपको ये एरिया पार करा देते, क्या सोच रही मैडम सर? प्लीज चलिए, कोई देख लेगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप। मैडम सर,
यहीं से वो कच्चा रास्ता जाता है। हाँ। आप यहाँ से चले जाइए और अंडरग्राउंड रहेगा तब तक जब तक हम पूरा पता नहीं लगा लेते कि कौन है इसके पीछे। जिसने भी ये किया ना, हम उसका जरूर पता लगाएंगे। उसको पता नहीं है उसने आपसे पंगा लेके ना हमसे सबसे बड़ा दुश्मनी मोल ले लिया है। पाताल से भी खोज निकालेंगे उस ढक्कन की औलाद को, उस टोपा इंसान को जिसने आपको इस मुश्किल में लाके खड़ा किया। मैडम सर, आज तक हर मुश्किल का सामना हमने साथ में मिलके किया, ये भी करेंगे। जब तक हम साथ हैं तब तक किस बात की चिंता। मैडम सर, प्लीज जाइए, आप सभी मत घबराइए। करिश्मा सिंह जी, Love you, Karishma Singh. Love you, Madam Sir. ये घाव तो भर जाएगा मैडम सर, पर उस घाव का क्या करे जो आपने हमारी दोस्ती को, हमारे भरोसे को दिया है। क्यों किया ये आपने मैडम सर? वो कहाँ रह गई करिश्मा, आ जाती तो मन को तसल्ली हो जाती कि वो ठीक है, मैडम सर ठीक है। इतना समय हो गया। चिंता के मारे हमारी जान हालत में आ गई, पता है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैडम सर मिली, उनके साथ बात हुई? हाँ मिली, बात हुई। पता है उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है, देखते ही गिरफ्तारी। पता पता है। अभी इस वक्त कहाँ है वो? हमने उन्हें नाकाबंदी क्रॉस करा दिया है, वो सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएंगे। लाख लाख शुक्र है भगवान का। एक मिनट एक मिनट, हे भगवान, ये क्या हो गया हाथ को? जख्म गहरा लग रहा है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? दिखाया, हम ठीक है अम्मा, हम ठीक है। अरे क्या ठीक है, जल्दी से हाथ पैर धो लो, हम गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध बनाते हैं। अरे नहीं चाहिए हल्दी वाला दूध, आप समझ नहीं रही है कि हमें थोड़ा एकांत चाहिए। मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ,
मैडम सर को कोई कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं करेगा, ना थाने से ना कहीं और से। कल थाने में सबको ये बात समझा दीजिएगा आप, और हम ठीक हैं। कुछ तो बात है जो हमसे ये छुपा रही है, हमें पता लगाना ही होगा।